सतना की आरती शुक्ला ने पूरे मध्य प्रदेश में सतना का नाम रोशन किया है। आरती का चयन नाबार्ड के असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए हुआ है। यह कामयाबी हासिल करने वाली आरती सामान्य श्रेणी में पूरे प्रदेश की एकमात्र अभ्यर्थी हैं। सतना के धवारी गली नंबर 3 में रहने वाले रिटायर्ड सेल्स टैक्स ऑफिसर सतीश कुमार शुक्ला और बिमला शुक्ला की होनहार बेटी आरती ने अपनी मेहनत और लगन से कड़ी प्रतिस्पर्धा में कामयाबी हासिल की है। आरती का चयन नाबार्ड के असिस्टेंट मैनेजर पद पर हुआ है। नाबार्ड में रिक्त 150 पदों के लिए हुई परीक्षा में सामान्य श्रेणी से सफलता हासिल करने वाली आरती मध्य प्रदेश की इकलौती अभ्यर्थी है। वहीं आरती की इस उपलब्धि से परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी आरती ने 18 सितंबर 2021 को प्रीलिम्स और 16 नवंबर को मेंस क्वालिफाई किया है। गत 8 मार्च को उनका साक्षात्कार हुआ, जिसके नतीजे आए तो आरती पूरे मध्य प्रदेश में अव्वल आई। संयुक्त परिवार की सदस्य आरती ने बताया कि सिविल सर्विस के लिए कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन वे इतना पढ़ नहीं पाती थी, फिर भी उन्होंने 5 से 6 घंटे की पढ़ाई जारी रखी। आरती का मानना है कि पढ़ाई के साथ मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। सुबह शाम आधा घंटे योग करती रही। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, तो ये परीक्षा हुई थी 21-22 में। प्रीलिम्स हुआ था हमारा सितंबर में, फिर मेंस हुआ नवंबर में, अभी मार्च में इंटरव्यू हुआ 8 मार्च को, और आज फाइनल रिजल्ट्स आए हैं। तो ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 150 वैकेंसीज थी, जिनमें से कि जनरल कैटेगरी के लिए और जनरल स्ट्रीम के लिए 31 ही वैकेंसीज थी ऑल ओवर इंडिया। तो जिसमें से कि एमपी में, मतलब ऑल ओवर इंडिया में एमपी से सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन हुआ है जनरल स्ट्रीम में। तो दिस इसलिए ये एक मतलब मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। 5-7 घंटे मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब 6-7 घंटे ही मैंने अच्छे से फोकस होकर पढ़ाई करी। और कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप भले ही सिर्फ 6-7 घंटे ही पढ़ो, बट आप हर दिन उतना करो। तो कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लस एक कोई मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे संगीत सर है, उन्होंने मेरे मेंटोर है, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से गाइड करा कि कम से कम चीज़ों को करना, बट अच्छे से करना, उन्हीं को ही रिवाइज करना बार बार। तो मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और बहुत गाइड किया अच्छे से, और उनकी वजह से ही मैंने उन्हीं के बताए हुए बात पे अच्छे से बस मेहनत करी और मेरा सिलेक्शन हुआ।